नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग कल हुई है और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उस पर हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए। ईएन हिंदी पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स देते हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों को इंतजार था इस कैबिनेट की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए गए उसके अपडेट्स हम आपको पहले दे देंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश पीएससी और एसएससी की। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। ये बड़ी जानकारी है कि जो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा कुछ टाइम पहले की गई थी कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं हिमाचल के उनको पीएससी और एसएससी की जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो आवेदन शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा। परंतु इसमें अब इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप में से कोई एचएस की पोस्ट के लिए या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर कोई लड़की आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी जो फीस है वो कम रखने का निर्णय इस कैबिनेट की मीटिंग में आज लिया गया। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे एसटीआरएफ गठित करने की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि स्वीकृति या निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। एसटीआरएफ पहले एनडीआरएफ आ रहा था। मणिमहेश, श्रीकांड, किन्नर, कैलाश यात्रा जैसे आयोजनों के लिए भी किया जा सकेगा एसटीआरएफ का इस्तेमाल। सरकारी स्कूलों में नौवीं और दसवीं कक्षा के सामान्य श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने की मंजूरी इस बैठक में ली गई है। इससे पहले क्या होता था कि जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट या स्टूडेंट्स थे स्कूल में उनको ही निःशुल्क जो पुस्तकें वो सरकार देती थी, परंतु अब जो नौवीं और दसवीं के जो छात्र हैं वो चाहे एस सी एस टी के या जनरल से, उन सभी को हिमाचल प्रदेश सरकार पुस्तकें बुक्स देगी। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है। पहले इसमें आपको दी जाती थी 1,30,000 रुपये, अब इसको 20% इसमें वृद्धि कर दी गई है। इसके बदले अब 1,50,000 रुपये जो आपको वो मिलेंगे। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अब जो राशि इसमें 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है। उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना, अगर आपको घर की रिपेयरिंग करवानी है कुछ इसमें, तो पहले आपको 25,000 रुपये दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। अब आपको 25,000 रुपये इसमें 35,000 रुपये इसमें अब आपको दिया। बात कर लेते हैं किसानों की, तो किसानों के लिए बड़ी खबर है। 10 सब्जी मंडियों को ई नाम इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने दी है। इस सुविधा से किसानों को उत्पाद ऑनलाइन बेचने में सहायता मिलेगी और ऑनलाइन ही जो दाम है इसका वो दिया जाएगा। पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को मिलने बेहतर दाम समयबद्ध तरीके से होगी ऑनलाइन। पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का मौका, ये बड़ी जानकारी है। पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पद 174 जो वैकेंसी इसमें ये भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नहर चौक है, इसमें मंडी में रेडियोथेरेपी विभाग के कैंसर देखभाल केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद जो ये भरे आपके जाने वाले हैं। आईजीएमसी में 2 पद ये भरे जाएंगे, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का 1 पद और चिकित्सा भौतिकी विज्ञान भौतिक विज्ञानी के 2 पद भरे जाने, ये बड़ी जानकारी है आपके लिए। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के 10 पद भरने की मंजूरी दी गई है। ये जो पोस्ट है ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की एचएएस की ये पोस्ट होगी, 10 पद है, इनको भरने के लिए सरकार ने मंजूरी दी हुई है। खुलेंगे स्वास्थ्य केंद्र, वो भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के पद, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बहुत से स्वास्थ्य केंद्र जिनको अपग्रेड किया जाएगा और बहुत से नए स्वास्थ्य केंद्र इसमें खोले जाएंगे जिनके अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है। वीडियो रोककर आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मंडी के मनी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने में इसके 2 पदों के सृजन का निर्णय, बाय के 10 पद भरने की मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा। अब बात कर लेते हैं विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर, आबकारी व कराधान निरीक्षकों के 50 जो पद है इसमें ये भरे आपके जाने वाले हैं। उपायुक्त शिमला के कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA के 25 पद भरे जाने वाले हैं, इसके लिए सरकार ने कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है। सोलन के अंतर्गत अर्की पुलिस थाना के 6 और खंड सराली में नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद भरने का निर्णय लिया गया। आईपीएच विभाग में प्रोसेस इंजीनियरों के भरे जाएंगे 5 पद, ये बड़ी जानकारी है। इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिए गए इस कैबिनेट की बैठक में उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है।
सोलन के प्राथमिक शिक्षा खंड रामसर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला हनीन को राजकीय प्राथमिक पाठशाला आलयन के रूप में इसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी जानकारी, इसको आप वीडियो को रोक कर आप पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, चंबा में नया जिला पर्यटन विकास कार्यालय और अन्य 3 जिलों में सहायक पर्यटन विकास कार्यालय खोलने और पर्यटन विभाग में भिन्न श्रेणियों के 23 पदों को भरने व इन्हें पहली बार ये पद जो भरे जाएंगे और इन्हें भरने की सहमति दी गई है इस कैबिनेट की मीटिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कि हिमाचल प्रदेश एयर स्पोर्ट्स नियम 2019 को मंजूरी इसमें दी गई है। इसके अंतर्गत पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग और पैरा मोटर जैसी गतिविधि इसमें शामिल होगी। बड़ी जानकारी, अगर आपको इसकी विस्तृत डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में भी आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। उसको ओपन करके पूरी जो अपडेट्स है, पूरी जो जानकारी वो आप ले सकते हैं। और जितनी भी पोस्ट है जिन्हें भरने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है उनकी हम अलग से जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है कि IPS की अपडेट्स से IPS में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो टीमेट की वैकेंसी भरी जाने वाली है, कितनी वैकेंसी है, 1200 पद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भरे जाने वाले हैं, तो उसके अपडेट्स भी हम आपको देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप करिएगा। जो लोग नहीं छोड़े वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि बड़ी जानकारी होगी आपके लिए। आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी लगी होगी जानकारी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सूचना, ये जानकारी मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।